आप लोग अपने फोटो लेके निकलो। अरे अभी फोटो मैं दे दूंगा तेरे को, पता नहीं कब दोगे। इसको भी पोडियम है, पोडियम हाँ भीतर को सब मिलेगा। या या लुक हियर, या सर इधर इसमें सामने मैडम सामने ऑल ऑफ यू सामने 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 साहब पल्लवी जी। हाँ या मैडम इधर मैम इनटू वायलेंस इधर इधर और एक बहुत चलो भाई रुको ना यार निकल। सबसे पहले एक्सपीरियंस की बात करूंगी। लुक सेंटर की इट वाज वेरी नाइस एंड वंडरफुल वर्किंग विद सौमित्र एंड मानसी। मुझे बहुत अच्छा लगता है यंग लोगों के साथ काम करना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई एनर्जीज आप में भी थोड़ी सी आ जाती है इनकी यू नो एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल देख के। और जहाँ तक सिनेमा का ताल्लुक है, किसी भी ऑडियो विजुअल मीडियम का ताल्लुक है, फिर चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो या सिनेमा हो या टेलीविज़न हो, अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट इट ऑल्सो गिव्स यू नो सर्टन इंसाइट इनटू लाइफ इटसेल्फ। और अगर ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए एंटरटेनमेंट के थ्रू इस अगर माध्यम का उपयोग किया जाए तो नथिंग लाइक इट। सो एज परफॉर्मर्स एज एक्टर्स आई थिंक हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम लोग लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उनको कुछ ऐसी चीज़ दें कि जो वो ज़िंदगी भर अपने साथ रखें। देर हैज़ टू बी सम टेक अवे फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट ही अपने आप में एक इतना रेलिवेंट सब्जेक्ट है, और ख़ासकर हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए, पूरे सिर्फ इंडिया के लिए नहीं कहूँगी, हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है आज ही अवेयरनेस क्रिएट करना। आई थिंक वुमेन हैव लॉन्ग सफर्ड एंड आई थिंक दैट शुड एंड समवेयर। दीज आर नॉट द थिंग्स जो हमारे हाथ में है, दिस इज़ समथिंग दैट नेचर डज टू अस। सो इसके बारे में अगर ओपन डायलॉग हो, इसके बारे में अगर चर्चा हो, तो आई थिंक एवरी वुमन विल गेट कॉन्फिडेंस दैट यू नो आई एम नॉट अलोन इन दिस, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल। मैम ये कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबने ये ऐसा सब्जेक्ट उठाया, बहुत रेयरली ऐसे सब्जेक्ट उठाए जाते हैं। थैंक यू। मेरा सवाल ये था कि मेनोपॉज तो सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ही, लेकिन मैंने नोटिस किया कि कम्युनिकेशन जो इंसान सफ़र कर रहा है उसे कम्युनिकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्या ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था आपके स्क्रिप्ट? यस वेरी इंपॉर्टेंट। थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू फोकस: कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस। द कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एक्सेप्टेंस ऑफ अ women and the awareness for the youth, for okay. everyone awareness. So like. The three stage of the film. Thank you, aapko पहुंच गया मैसेज। आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी जो फिलहाल पॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है, स्वरा भास्कर और सिद्धार्थ नारायण ने ये सवाल उठाया था कि उनका जो हार्ड अर्न मनी, जो टैक्स पेयर के अजिन जो टैक्स आता है उनको, वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल के ले जाएगा, कि आपको भी लगता है कि आपको अपने पैसे ऐसे चीज़ की फंडिंग में डालने चाहिए कि आप इस चीज़ के अगेंस्ट? अब मानसी को पूछ रही है, मुझसे पूछ रही है? आपसे पूछ रहे हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं सच्ची बताऊँ, आप क्या पूछ रही है मुझे पता ही नहीं है। मैं एक महीने से US में थी, आई हैव जस्ट कम बैक, सो आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग पॉलिटिकली और सोशली राइट नाउ। मैं एक महीने से DI रूम में, ये भी नहीं थे और मैं भी लंदन में था, इसलिए मानसी का आंसर तो कुछ नहीं। मैं भी तो इसके साथ ही बिजी थी पोस्ट में। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल फिल्म का, और सर ये जो बातें हैं वो सबके सामने, जैसे मैंने मैम से पूछा था कि कितना इम्पोर्टेंट है सबके सामने रखना, स्पेशली सिनेमा एक बड़ा माध्यम है जिससे लोगों तक पहुंचती है बातें, कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना? बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस एज पल्लवी जी सेड ऑफ दिस मीडियम। यू नो आफ्टर ऑल द मीडियम इटसेल्फ इज कम्युनिकेशन, जैसे कि सुमित्र ने कहा। So this gives us an opportunity to communicate a thought or a certain subject to the larger audience, India, abroad. I feel that's one of the most beautiful things about our craft. And I personally, as an actor, have been very lucky
बिकॉज अभी दो साल पहले मैंने टीवी छोड़ दिया था, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हो रहा है यूनिवर्स से कि आई एम गेटिंग रोल्स इन सब्जेक्ट्स विच आर गिविंग मैसेजेस. एक ये रिश्ता क्या कहलाता है, आई डिड अ रोल ऑफ अ वेरी बैड मैन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. देन देयर वाज दिस फिल्म विच जस्ट वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, आई वन एन अवार्ड, लव हिस्ट्री विच इज ऑन रेसिज्म. पर कास्ट को हटाओ यार, हटाओ इस कास्ट सिस्टम को. सिमिलरली सौमित्र एंड मानसी फिल्म, it's about such an important topic. So these are all awareness things. Like I have been on social networks saying wake up India, wake up India. So menopause actually is something which, like Pallavi ji also said, it's they've been there for years yaar. Aisa to hai nahi ki aaj shuru hua hai. So why are you not accepting it? Why are you not understanding it? And this is pure awareness creation and told in a story. You know, it's not standing there, dekhiye main aapko ye batana chahta hu menopause ye hota hai, wo nahi hai kahani mein. उसमें घुल मिल के वो आया है और आपको रिलेशनशिप दिख रहा है ना. ये जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है ये कितना रिलेटेबल है. आई माई सेल्फ एम ए मैरिड मैन, आई हैव टू चिल्ड्रन. व्हेन आई वाज शूटिंग विद पल्लवी जी आई कुड जस्ट रिलेट टू ऑल द सीन्स बिकॉज दिस बॉय हैड स्क्रिप्टेड इट सो वेल. इफ यू नोटिस द फिल्म, इसमें बनावटी भाषा है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल भाषा है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं. ये एक मैं सवाल सौमित्र से पूछना चाहूंगी कि ये जो मियाँ बीवी के बीच का ये जो कई सालों के बाद जो जो तू तू मैं और नी 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 ये जो सारा होता है, हाउ डू यू नो अबाउट दिस एट सच अ यंग एज. अरे वो बोर्डिंग पास यार, वो क्या नाम है उस लड़की का जो बोर्डिंग पास, वो इसकी जेब से तो निकला था. सो बेसिकली जो फिल्म में एक डायलॉग है कि इस लिस्ट पे कबाब रख के खा लेना. हाँ, प्रेम पत्र बहुत प्यारा है. तो मेरी मम्मी हमेशा सब्जियाँ नमक ये सबका लिस्ट भेज देती थी पापा को. अच्छा. शी स्टिल डू. तो माय फादर उस से आ गया प्रेम पत्र. तो वो पार्ट मैं इसमें थोड़ा डालना चाहता था सो दैट वी कैन रिलेट कि हाँ बहुत बेसिक चीज़ें हैं. वो थी बैंकॉक वाला सीन अभी नहीं हुआ मेरे घर में. वो फिक्शन था. ओके मानसी आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना कितना चैलेंजिंग था और लोगों के सामने लेके आना कितना बड़ा टास्क था आपके लिए, अगर थोड़ा कुछ जिस बारे में बताया आप. सर और मैम है बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था, बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था. और सोम है, सौमित्र सॉरी, वी कॉल हिम सोम. एंड अभी जो है जो मेरा जो मेन फोकस है वो अवेयरनेस को लेकर के कि आई वांट लाइक यू नो घर घर का बच्चा जाने कि या मेनोपॉज क्या होता है. नाउ यू लाइक यू नो अभी पता है कि पीरियड्स क्या है, जस्ट सेम थिंग कि घर पर पता चले कि my mother is going through menopause or something in that way. Like even I have asked my mom, are you in a phase of menopause? She said no. Abhi hai time. Mera next sawal wahi hone wala hai ki aapko kya iske bare mein pata tha aur jab aap is film matlab karne wale the to kya research karni padi isko leke, thoda sa us bare mein bataiye. Aur kyunki research bahut important hai, jaise sir aur ma'am ne kaha ki bahut sari baatein aisi kahi gayi hai jo real life mein hoti hai. रिसर्च के वक्त आधी 60% रिसर्च मुझे मैम से मिल गई थी, मानसी मैम से. ऑनेस्टली मुझे नॉलेज नहीं थी क्योंकि हम लोग पीरियड्स की इतनी बातें कर चुके थे कि ये चीज़ पीछे ही जा रही है. मेनोपॉज के बारे में जब स्क्रिप्ट आई या कंटेंट आया तो आई हैव लाइक गूगल जिंदाबाद एंड ऑल्सो आई हैव आस्क लाइक माई मॉम, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स मॉम जो उस एज पे है 50+ 60+, काफ़ी चीज़ें. तो मुझे ना इट्स नॉट लाइक कि डिस्टर्बिंग था, बट हाँ इट ऐसा था कि जो फीमेल्स हैं whether it's like a girl, a woman, or old lady, बहुत मुश्किल है. मतलब मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा, वो जो इनके बड़े बाल जो गर्मियों में ये लोग संभालते हैं मेरी बस की नहीं. ऑनेस्टली मेरे बस की नहीं, क्योंकि मैं थोड़े से बाल भी मैं काट लेता हूँ तो ये तो काफ़ी बड़ी चीज़ है. तो दैट पर खुदा ने बनाया है औरत को ताकतवर यार. तो इसलिए मतलब उस पर रिसर्च तो मैंने काफ़ी करी. ऑफकोर्स कुछ लिंक्स मैम ने काफ़ी भेजे क्योंकि मैम ने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी थी, तो मेरे लिए 60% बहुत चीज़ इजी हुई. माय क्वेश्चन टू यू इज लाइक एट सच अ यंग एज एक स्टोरी के साथ आगे बढ़ना जी, टू डायरेक्ट एंड टू मेक इट फिल्म लाइक एज इफ लाइक इट इज लाइक हैपनिंग विद एवरीवन एज मैम सर सेड इट इज मोर रिलेटेबल इजंट. मतलब ऐसा लगता है कि कई के डायरेक्टर्स कई सालों के बावजूद इतनी अच्छी स्टोरी नहीं बना पाते, इतना रिलेटेबल नहीं बना पाते. तो एट सच एन यंग एज अपनी इस तरह की चीजें कैसे थी, एक स्केल भी मतलब फिल्म से हटता नहीं, मतलब ऐसा लगता है मैम को देखते हैं, संको देखते हैं, पर स्टोरी एकदम पानी के फ्लो की तरह बहती है. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक सच रिलेटेबल स्टफ इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम.
आई हैव डिस्कस्ड लाइक विद माय सीनियर्स डायरेक्टर्स, तो उनसे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आती थी कि नहीं, सोशल ड्रामे पे ज़्यादा हाथ नहीं लगाना. बट आई थिंक कि अगर जब तक मैं हर जॉनर ट्राई नहीं करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किस में अच्छा हूँ. एंड बहुत सारी चीज़ें जो आई एम फ्रॉम गोंडा, इट्स फ्रॉम स्मॉल टाउन इन यूपी, सो आई हैव सीन मैनी थिंग्स. जॉइंट फैमिली में रह के भी देखा है, गाँव में भी देखा है, अपने माँ बाप को भी देखा है. तो इट्स लाइक ठीक है, जो स्क्रिप्ट में है वो मैंने फिल्म में दिखाई है, मेरा काम आसान होगा. अभी दो अलग जनरेशन दिखाई दे रही है, लाइक एक यंग डायनर भी है, एक आप थोड़े एक्सपीरियंस है. तो मैं पूछना चाहती हूँ, कभी आपके थॉट्स वेरी किए, कभी काम करते वक्त आपको लगा हो कि नहीं ये ज़्यादा फास्ट पेस है, हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमें थोड़ा, कुछ पर्सनल किससे? ऑनेस्टली एक बात बताती हूँ, आई would like to say ki I'm speaking for both of us, but if Rituraj wants to hide his age, that's his concern. But I think but we started working in the good old 80s, so it's safe to say that we are from old school. Yes. Aur uski wajah se jo hamari hamara pura mental makeup jo hai ki kis tarah se hum kisi bhi set ko approach karte hain, वहाँ पे हम समझते हैं दैट द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप एंड वी हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द डायरेक्टर. एब्सोल्युटली. आई पर्सनली बिलीव एंड आई थिंक आई विल कीप दिस बिलीफ अंटिल द डे आई डाई, एटलीस्ट इन दिस लाइफ टाइम, दैट एक्टर्स आर सबॉर्डिनेट्स टू द डायरेक्टर एंड वी हैव टू सबमिट आवरसेल्व्स टू हिज विजन. एब्सोल्युटली. सो व्हेन यू हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट यू आर गोइंग टू हैव टू टेक योर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम समवन, तो वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता. और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आई लाइक टू वर्क विथ यंगर पीपल बिकॉज दे कम विथ डिफरेंट थॉट, दे कम विथ यू नो कुछ डिसरप्टिव आइडियाज़ होती हैं. एंड आई मस्ट से अबाउट सौमित्रा, ही वॉज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑन द सेट्स. मतलब कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो दिस इज़ अ सेकेंड शॉर्ट फिल्म और या यू नो ही इज़ न्यू टू द सेट्स. सो ही वॉज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड इट जस्ट मेड एवरीथिंग सो मच ईजी फॉर अस. सो आई डोंट थिंक देर वॉज एवर एनी क्लैश एज सच. वी just sailed smoothly throughout the shoot. Yeah, I'd like to just add something to that. I agree with what Pallavi ji said. Soumitra made it very easy for us, for us. He knew his script. He knew what shots he wants to take. He knew the whole working dynamics of the whole film shoot. He was crystal clear. So it makes the actor's job so much easier. Yeah, that's true. There's no confusion. There's no fog. You're clear. The other great thing was that he and Mansi both put us in, I'm speaking for both of us, since you just did, put us in such a comfort zone, you know. They were so nice to us. They were so, they made us feel so comfortable that we could just, you know, sort of get into our characters and just concentrate on that. There wasn't this, you know, this, there was no negative energy. And basically, sab energy ka khel hai, yaar. Wo theek ho jaye to sab theek ho jaye. Sahi baat. Main bata na, old school it is. I believe in old school. Yes. Thank you very much, all of you, for coming and seeing the film with us. Thank you. God bless you.